Hello friends, welcome to our new vlog. Good morning. ये देखें जी, ये शालोम से हुआ है, साथ में इसको भी उठाते हैं और इसका रिस्पॉन्ड देखते हैं जी, ये किस तरह का करता है। शालोम उठ जाओ, उठ जाओ यार, सुबह 6 बज गए हैं, उठ जाओ, स्कूल से लेट हो जाना है। उठ जाओ, उठ जाओ, शाबाश, चलो उठ जाओ, उठ जाओ यार, चलो उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ शालोम, ओ शालोम। नहीं यार, उठ तो गया हूँ। अच्छा, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाओ ना, उठ के यूनिफॉर्म वगैरह कर। हैं, ओए उठ जाओ। चलें जी, ये कह रहा है जी मैं उठ गया हूँ अभी से, लेकिन पता नहीं है इसका ये उठा है कि नहीं। ये देखें, अभी थोड़ी देर बाद इसको फिर चेक करेंगे। ये देखें जी, मैं यूरिन वगैरह कर रहा हूँ, उठ के वॉशरूम से हुआ हूँ, तो ये देखें, ये इसको मैं उठा गया था, ये अब देखें दोबारा सोया हुआ है। ओए शालोम उठ जाओ, ओए उठ जाओ, अब ओए उठ जाओ, देखो गाइस तुम्हें देख रहे हैं, ओए ये देखो, उठो तो सही, एकदम उठ के इधर तो हेलो हाय करो, इधर गुड मॉर्निंग तो बोलो, ओए नहीं बोलना गुड मॉर्निंग है। अच्छा, कह रहा जी मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोलना। ये देखें जी, ये इधर से कुछ लेने के लिए खड़ा हुआ है रास्ते में, रास्ता तो हमने चेंज किया है, और ये इधर से एक चिप्स लिया है, इसने और क्या लेना है, ब्राउनी यार, ये एक ब्राउनी का देना भैया, कौन सी ब्राउनी, ये वाली। ये फ्रेंड्स, अभी देखिए ये हम सुसा रोड पे हैं, और सुसा रोड अभी देखिए आपको बहुत कम गाड़ियां यहाँ पे नज़र आ रही हैं, सुबह का टाइम है, ये देखिए बहुत कम रश है। जब हम यहाँ से दोपहर में गुजरेंगे ना, तब देखिएगा, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रश होता है। अभी तो यहाँ पे कोई रश रुश नहीं है, इधर बहुत कम गाड़ियाँ, सुबह सुबह का टाइम है ना अभी। इधर इधर देखो ज़रा, इधर ये जी, अभी इसको स्कूल तो मैंने तो आ दिया है, अभी तो इसका मूड बड़ा अच्छा है, लेकिन दोपहर में देखेंगे कैसा है। अक्सर दोपहर में इसका मूड ख़राब ही होता है, थोड़ा सा मैं ना लेट हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जी अभी इधर आया हूँ जी शालोम के स्कूल के अंदर, उसकी कुछ चीज़ें शॉर्ट थी, उससे जो है वो पता करते हैं कि मिलती है या नहीं मिलती। पहले तो उससे जा चल के पूछते हैं कि वो जो चीज़ें मिस हैं उसकी, वो उसके पास है या नहीं है। 2 क्लास की, एक तो चाहिए आर्ट बुक और एक चाहिए उर्दू की कॉपी, वो जो आरके के लिए लगाते हैं। हैं ये आपके पास, हैं दोनों? उर्दू की आर्ट बुक नहीं है। बुक नहीं है, कल आनी है। चलें, अभी भी ये एक ही चीज़ मिली है, दूसरी तो नहीं मिली। हाँ, इसके कितने पैसे? 125 रुपये। तो फ्रेंड्स, इधर शालोम के स्कूल में भी ब्रेक ही हुई है, ये कॉपी उसकी शॉर्ट थी, और वो कॉपी जो है वो ले ली है मैंने, अभी उस पर क्लास में दे के तो फिर जाना है। वो मुझे से सुबह में भी मुझे लड़ाई कर रहा था, मैंने कहा सुबह सुबह टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने भी जाना है, तो इसलिए मैं ना बाद में आकर जो है वो ले दूँगा। तो भी जो है इधर भी ब्रेक ही, अभी देखता हूँ अगर वो मुझे इधर दिख गया तो। ये जहाँ मुझे देख के भागा भागा, खुद ही आ गया। नहीं, आर्ट की बुक नहीं थी उनके पास, आर्ट की बुक नहीं, ये एक ही कॉपी मिली है। ठीक है, ये देखिए जी अभी आ गया है जी, अभी चेक करते हैं इसका मूड, खुद ही आ गया मुझे देख के। हाँ भी ठीक हो, हैं कैसा रहा स्कूल, हैं ये क्यों फेंक दिया, पानी पीना है, पानी तेरी बोतल ख़त्म होगी, चलो आ जाओ। तो फ्रेंड्स, ये देखें जी अभी हम सुसा रोड से जा रहे हैं, और मॉर्निंग में जब गुजर रहे थे इधर से, तो हमें रश जो था वो इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग आ जा रहे हैं, रश काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, भी चल रही है। हाँ, अभी हवा भी बहुत, मौसम प्यारा हुआ है। हाँ, बाल देखे, अभी हम घर की तरफ ही जा रहे हैं जी। तो भाई, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ भी आ रही है, और बहुत सारी आ रही है और आती भी अब रही है, और यहाँ पर जो है
ये देखें जी, ये आते ही गेम खेलने लग गया जी, और ड्रामे देखें ये इसके आते ही शुरू हो गए हैं। क्या ड्रामे कर रहा है ये देखें फ्रेंड्स। ये देखें जी, ये मैं अभी बाइक से आया हूँ, तो ये घर में आया हूँ, तो ये वैसे घर में पड़ता नहीं होता आज। ड्राइंग का काम है, ड्राइंग का काम है, हैं कैसे दिल कर पड़ा किया ये करने को? तब का लगा हूँ, अभी तक बस इतना हुआ। कितना? अच्छा, ये तुमने बनाई है, ये तुमने ड्रॉ की है? यस। ओहो, बड़ी प्यारी ड्रॉ की है। अच्छा, ये बराल ना घर में पड़ता नहीं होता आज, वैसे कोई पता नहीं क्या हुआ इसको, खुद ही ये बैठ के तो ये आर्ट का काम जो है वो कर रहा है, वरना ये मैं इसको बड़ी मुश्किल से और इसकी मॉम बड़ी मुश्किल से बैठाते हैं इसको थोड़ा बहुत काम करने के लिए ना, तो क्योंकि अकेडमी से काफ़ी हद तक ये तकरीबन सारे काम करके आता है, तो आज बड़ी इसने पता नहीं क्या इसके जहन में आया, पता नहीं ये। हाँ, कौन सी बात नहीं समझ आई? ये वाली उस चीज़ है, बीच वाली इसकी। हाँ, ये वाली। इसमें ब्लैक और ब्लैक और इसके स्पॉट रेड कर देते होते हैं, ब्लैक कर दो, मोस्टली ब्लैक ही होती है ये, वाइट और वाइट और ब्लैक भी होती है, मुख्तलिफ जो होती है ना बटरफ्लाई, येलो और वाइट, वाइट नहीं, वाइट इन ब्लैक। हाँ, ब्लैक कर दो, ब्लैक और वाइट कर दो, ब्लैक वाइट। हाँ, वाइट छोड़ ही देना मैंने। अच्छा, चलो ठीक। तो इसको कलर्स की नहीं समझ आ रही थी कि कौन सा कलर करें, कहाँ पेंसिल, किधर है पेंसिल, को क्या हुआ तुम्हारी को? चलें जी, आज बहरहाल मैं काफ़ी हद तक खुश हूँ जी, ये आज इसको बड़ी देर बाद घर में पढ़ते हुए देखा मैंने। चलें जी, जब ये आर्ट पूरी करता है तो फिर देखते हैं जी किस तरह की इसकी जो है वो कलरिंग होती है इसके अंदर। चलें जी, ये दिखाओ भी है क्या सी तुमने आर्ट की है जी, ये इसकी चीज़ें पड़ी हुई है। अच्छा, ये अभी बनाई है, ये अभी बनाई है। ओ, ये किसने सिखाई थी, ये कौन सी मैम है आर्ट की, कौन सी मैम है, हैं? अच्छा, मैम मोना हैं? तू नहीं नाम, तू नहीं नेम बोल सकता हैं? क्यों, तू क्यों नहीं बोल सकता? चलें जी, बरा जी, ये तो इसने बहुत प्यारी बनाई है, ये देखें खूबसूरत बनाई है ये क्या बनाई है, ये एरोप्लेन बनाया है। चलो, ये भी प्यारा ही है, लेकिन बहुत प्यारा है, ये बड़ा अच्छा है। बरा ठीक है जी, गुड, बेस्ट ऑफ लक जी, तुम्हारा आर्ट कम, इसका ये आर्ट कंपटीशन आ रहा है जी, उसमें देखेंगे क्या करता है ये। 19 को, हाँ 19 को पोस्टर कंपटीशन है जी। फ्रेंड्स, आजकल जो है वो एक बड़ी कन्फ्लिक्शन जो है वो दुनिया के अंदर चल रही है, बहुत जो इसराइल और ईरान की जो वार है वो बड़ी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है दुनिया के अंदर, और इसकी वजह से दुनिया की पूरी इकॉनमी जो है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, और दुनिया के अंदर जो है वो बहुत जितनी भी तेल की जो इंडस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो दुनिया के अंदर तेल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, वो तकरीबन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो स्विस कैनाल है उसके ऊपर हुती लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, और वहाँ से जितनी भी ट्रेड हो रही है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हुई है। एशिया के अंदर काफ़ी हद तक इसका इम्पेक्ट आने वाले दिनों के अंदर पड़ेगा, तो दुआ करें कि ये जो वार चल रही है ये किसी ना किसी तरीके से थम जाए, हट जाए, वरना इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर बहुत से क्राइसिस जो हैं वो आएंगे, स्पेशली पाकिस्तान जो पहले से ही इकोनॉमिकली बहुत डी ग्रेड है, और जिसकी इकॉनमी पहले ही बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, और इसके साथ इंडिया भी इससे डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इसकी भी काफ़ी हद तक जो क्या उसको कहती हैं ट्रेड है वो उसी किनार के ज़रिए से होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो होती जो हैं वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर किए हुए हैं। बाकरे जी, ये कहीं ना किसी तरीके से रुक जाए, इसराइल भी स्टॉप करे, और हुती जो हैं वो भी, और ईरान जो है वो भी इसको जो है वो स्टॉप करे, तो तब जो है ये दुनिया के अंदर थोड़ा सुकून जो है वो हो जाएगा, तो इसके लिए जो है आप दुआ करें जी कि ये जो जंग हुई है ये रुक जाए, वरना जो कुछ दुनिया में हो रहा है ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक जो है वो आगे जाने वाला है। बस इसको ख़ास अपनी दुआओं में याद रखें जी, किसी तरीके से ये जंग रुक जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हाँ, दुनिया के अंदर जो क्राइसिस है इसको ख़ास तौर पर अपनी दुआओं के अंदर याद रखें, ताकि ये जो क्राइसिस हैं ये
रब की ज़ात जो है, रब ताला जो है इसके ऊपर नज़र सानी करे और इसको जो है वो, क्योंकि रब की मर्ज़ी से ही सब कुछ दुनिया में चलता है ना। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें, दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।